नमस्कार सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक अवसर के अभागी माँ की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमला का बेटा एक बहुत बड़ा अफसर था। उसका बेटा पूरे 6000 रुपए की तनख्वाह महीने की पाता था। महीने में एक दिन जब वह सरसराते गुलाबी बैंगनी नोट बहू को सौंपता था तो दूर बैठी कमला की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थी। उसकी छाती दोगुनी हो जाती थी और सिर्फ गर्भ से आसमान छू लेता। शुरू शुरू में एक दो बार रवि ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट अपनी माँ की हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसकी माँ ने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू को तुरंत पकड़ा दी थी। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया। उसकी बहू को ये पसंद नहीं था। बहू ने रवि से कहा, महीने के महीने रवि यह क्या ड्रामा करते हो? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी भी अपनी माँ के हवाले कर दो। रमा कभी कभी मामूली सी बात बनाकर बैठ जाती थी। रवि ने कहा, बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगाकर खुश हो जाती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम अपने माँ बाप के हाथ पर लाकर रख दे। रवि ने अपनी माँ की भावनाओं को अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया तो रमा कहने लगी, तो कर दिया करो, मैंने कब मना किया है, लेकिन रुपयों की पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फेरते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। रवि चुप हो गया। लेकिन कमला ने बहू के ये कड़वे बोल, जो कि उसे बहुत पीड़ा पहुंचा रहे थे, सुन लिए थे। इसलिए वो व्यर्थ के क्लेश से घर को बचाने के लिए उसने थोड़ी सी खुशी और स्वयं ही उसे मुंह फेर लिया था। थोड़ी सी खुशी के लिए क्या करना। कई महीनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर से जोर मारा था, इसलिए रवि को आज फिर तनख्वाह मिली थी। और संयोग मात्र था कि रवि पगार लेकर आया ही था और बहू घर पर नहीं थी और माँ बेटा दोनों घर पर थे। और मात्र भक्त बेटा 100 के नोटों की 5 सील बंद गड्डियां जो लाया और माँ की झोली में डाल दी। माँ ने आशीर्वाद उसने डाल दी। माँ से आशीर्वाद की आशा में उसके पास ही बेटा बैठ गया। एन मौके पर उसकी पत्नी रमा आ गई और माँ ने भी अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुका ली और पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने एहसान सा जताते हुए रुपए लेकर अलमारी में पटक दिए और अलमारी को खुला छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खींचा हुआ सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। रवि कहने लगा, पूरे 50,000 थे मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी, 100 रुपए कम है, रमा रुपए कैसे कम हो सकते हैं? रवि कहने लगा, मैं पूरे 50,000 रुपए संभाल कर लाया था, आश्चर्य ही कर सकता है, बहू ने शब्दों को गोल गोल घुमाते हुए कहा था। तो रवि तो आंखें नीची करके अपने दफ्तर चला गया, लेकिन माँ दिन भर ही मन रोती रही। वो समझ रही थी कि बहू क्या कहना चाहती है। माँ खुद से आंखें मिलाने में भी उसे अब शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली अपनी सासू माँ की चारपाई पर लाकर रख दी तो सासू माँ ने सोचा कि बात बढ़ जाने से और घर में जो और क्लेश बढ़ जाएगा। इसी डर से उसने मजबूरन थाली में रखी दोनों रोटी खा ली, वरना इस घर का तो अब पानी तक पीने की इच्छा नहीं हो रही थी उसकी। इतना बड़ा कलंक जिस बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में बर्तन मांजना किया, किसी के घर में कपड़े धोना किया और किसी के घर में झाड़ू पोंछा किया, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगल गया। धिक्कार है, कमला की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे, माँ को चुप चुप देखकर रवि परेशान था। उसकी इच्छा तो होती थी कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए। सच्चाई तो वो खुद भी जानता था, इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस नहीं हो रहा था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज में अपनी पत्नी रमा से बात की,
किंतु वो उसे कहाँ हाथ रखने देती। वो तुनक कर बोली, रवि, तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है। मैं भी चाहती हूँ कि वह हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि इनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए इन्हें अपने गांव छोड़ आओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और बात भी आई गई हो जाएगी। रवि कहने लगा, किसके पास छोड़ दूं गांव में? कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहां? मेरी परवरिश में मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी जो झोंक दी और अब उसके आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं, तो तुम कहती हो कि मैं लोगों की समस्याओं का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो? मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात तो तुमसे समझ नहीं आती। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ आओ। महीने दो महीने की बात है। अपने साथ की औरतों के साथ तुम्हारी माँ रहेगी तो उनके मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी, रमा जब रवि को समझाने लगी। लेकिन सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। कमला तो इस बंधन से मुक्ति चाहती थी। उसके हाँ करने पर रवि ने भी जो तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों बाद पड़े पुराने छप्पर की बुहारी की गई। अकेली बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आज पड़ोस की पोती नातिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी और सिल्वर के दो चार पुराने बर्तन घर में थे ही। शेष कमी रवि ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास तस्तरियां लाकर पूरी कर दी। पिछले पाड़े में विमला काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भरकर चाय और खाली गिलास लेकर पहुंची। रवि और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे हुए बैठे थे। तब विमला काकी ने कहा, क्यों रे रवि, आज गांव की राह कैसे भूल गया? काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा तो रवि कहने लगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है काकी, अपने गांव घर का रिश्ता कभी कभी छूटता है क्या? आज काकी की याद आई तो चले आए मिलने। रवि ने शब्द जाल में जो बड़ी आत्मीयता से दर्शाए, बड़े चुनकर शब्द बोले थे। तब एक पड़ोस की भाभी कहने लगी, हमारी देवरानी को भी साथ क्यों ना लेते आए देवर जी, हम भी देख तो लेते एक नजर, सुनाए बड़ी खूबसूरत है, ढलती सी उम्र की एक महिला ने कहा। तब रवि ने कहा, अब तुम किसी से गलत थोड़ी ही सुनुई भाभी, वह खूबसूरत है, इसीलिए देखने वाले लोग उसे खूबसूरत ही बताएंगे। तब वह भाभी ने कहा, इसीलिए उसे साथ लेकर नहीं आए, कहीं गांव की धूल मिट्टी में मैली ना हो जाए। तब रवि कहने लगा, तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज तो मिलती नहीं, ऐसी अनमोल चीज तो संभाल कर ही रखी जाएगी ना। तब वो गांव की भाभी कहने लगी, तब वो गांव में क्यों आने लगी देवर जी? शीश महल में रखिए उसे सात पर्दों में। तब रवि कहने लगा, भाभी तुम्हारी राय तो बिल्कुल ठीक है, बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को शीश महल में ही रखा जाना चाहिए। अगर ताज महल में अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले दो तो शीश महल में बनवा दूंगा। और फिर जो विमला काकी कहने लगी, अरे बेटा रवि, सुना है कि तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती है बेटा तुझे? जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। रवि बोला, तुम्हारे आशीर्वाद से काकी दाल रोटी लायक मिल ही जाती है। काकी थोड़ी गंभीर हो गई और बोली, तो बेटा 5,000-60,000 लाख बड़े अफसरों का जो विमला काकी वजन तोलने लगी। रवि कहने लगा, काकी कटकटाकर बस यही कोई 40-50 हजार मिल जाए। आती है काफी कंजूसी करके जो बताया था उसने 40-50 हजार, जो वह देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी ने बड़े आश्चर्य से कहा। तो रवि बोला, यह कोई जायदा है भाभी, शहरों के खर्च तुम जानती नहीं हो, इनमें तो दो वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है। तब वह भाभी कहने लगी, देवर जी तो इसीलिए बुढ़िया माँ को गाँव छोड़ने आ गए हो। भाभी ने भी जो बयान कस दिया। तो रवि बोला, भाभी दो घर होने से तो खर्च दुगना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास सी थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इस इनका जो जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। तब वे भाभी बोली, अच्छा, पर भाभी का व्यंग रवि के आर पार हो गया था, तेरी भाभी ने बात तो बिल्कुल खरी कही है। तभी विमला काकी ने कहा, जिसका मन अपने बेटे पोतों से ना बहले वह दूसरों के बच्चों में कई बीच कैसे खुश रहेगी?
बेटा, विमला काकी कहने लग, तू पढ़ा लिखा अफसर है, हम गवार तुझे क्या समझाएं? मगर बेटा, बिचारी कमला ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा को मत दुखाना। रवि कहने लगा, काकी, माँ के अलावा दुनिया में मेरा है ही कौन? मैं जानता हूँ, मेरे लिए मेरी माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं, मैं भी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। रवि ने कहा तो और फिर उसने बातों को बदल दिया और फिर खेती बाड़ी की बातें करने लगा। फिर इधर उधर की कुछ बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। रवि भी जाने को तैयार हुआ तो उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया कि माँ, मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए रवि ने 1,000 रुपए अपनी माँ को थमा कर विदा ली। माँ ने भी धीरे से बेटे को हिदायत दी कि वह उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखें। बहू से कहे कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ साथ मथा हुआ केला, दाल चावल और उबला हुआ पानी गुणकारी होता है। संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 100 रुपए देकर गया था रवि और माँ को उन 1,000 रुपए में पूरी गृहस्थी जमानी थी, लेकिन खूब खींचतान करके भी वह दूध के लिए 100 रुपए ही बचा पाए। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज की कहाँ जरूरत है। ये सोचते हुए कमला लगी, सुबह चाय तो वह बनाएगी ही, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी, कभी हुआ तो आध पाव सब्जी खरीद कर बना लेगी, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लेगी। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनियाड लेकर आया और कमला का तब कमला कहती, आजकल में आ जाएगा बेटा और नहीं आया तो क्या अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने? और वह बेचारी ऐसा ही उत्तर देकर उसे टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 600 रुपए हो गए थे, आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 200 रुपए तो उसने 2 किलो आटा और थोड़ा सा नमक मिर्च लिया, डिबरी में 10 रुपए का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वह संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझा देती। अंधेरे में बैठी भगवान के भजन करती। शुरू शुरू में कुछ बड़ी बूढ़ी औरतें और नाती पोतियां उसके पास आकर बैठ जाती थी, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता सबके सामने आने लगी। मगर कमला ने अपने चेहरे पर कभी सिकन तक नहीं आने दी। कमला अंधेरे में बैठी हुई अपने छप्पर में चिंता में डूबी हुई थी, तभी उसकी झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज लगाई, माई भूखे लाचार को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की लंबी उम्र करे, तेरे बेटे को बड़ा अफसर बनाए। कमला जैसे अपने ख्यालों से बाहर आई, इस मूल में बेटे की लंबी उम्र, 1 रोटी में इतना आशीर्वाद और तरक्की भी बहुत सस्ती थी, क्योंकि रोटी के आगे बड़ा अफसर बनाने का आशीर्वाद दे रहा था। उसने कपड़े में लपेट कर रखी 1 रोटी का आधा मांगने वाले को दे दिया और वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। कमला ने आधी में से आधी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से कमला के घर में चूल्हा नहीं जला था, खाली पेट चारपाई पर लेटे हुए वह बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी बार उसने मजदूरी करने पर जाने की सोची और विचार किया कि मजदूरी ही कर लूं, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में आ लिपती और वो पानी पीकर चुप बैठ गई। सोचती, मजदूरी करने जाऊंगी तो सब कहेंगे, इतने बड़े अफसर की माँ देखो मजदूरी कर रही है। 2 दिन से खाली पेट कमला डाकिये के इंतजार में अपने छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे झबरू पर उसकी नजर पड़ी। कुत्ता ना जाने कहां से 1 रोटी उठा लाया था और सुने आंगन में बैठ आराम से रोटी खा रहा था। कमला दबे पांव चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक हुए हमले से घबराकर कुत्ता रोटी छोड़कर भाग गया, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वह रोटी उठाने का साहस नहीं कर सकी। उसके बड़े अफसर के बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू फूट पड़े। वह निढाल से होकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नजर सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर लगी हुई थी। कमला अपने छप्पर में आकर बैठ गई।
उसकी आंखों में गंगा यमुना बहने लगी, किंतु दूर खड़े झबरू की आंखें चूल्हे के पास आंगन में पड़ी रोटी पर जमी हुई थी। कमला चारपाई पर निराश हताशा सी बैठी कभी झबरू को और कभी दूर दूर पड़ी रोटी को देख रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह गले में फंदा डालकर छप्पर के ऊपर लगी बल्ली पर झूल जाए, किंतु बड़े अफसर बेटे की मर्यादा ना तो उसे मरने दे रही थी और ना ही जीने। वह सिर्फ चुपचाप बैठी रहने पर विवश हो गई। उसने रोटी की ओर से ध्यान हटाकर घड़े से एक गिलास पानी भरकर पीना चाहा, किंतु दो दिनों से खाली पेट में जो पानी नीचे उतरने की बजाय गले में ही अटक कर रह गया और उसका दम घुटने बहुत देर तक हाथ पैर छटपटाने और सीने को सहलाने के बाद उसे सांस आया और वह निढाल होकर चारपाई पर पड़ गई। थोड़ी देर में उसकी अंतड़ियां फिर कुल बुलाने लगी तो उसने उठकर आटे की हंडिया उगाड़ कर देखी। कुछ आटा हंडिया में इधर उधर चिपका हुआ था। उसने हंडिया सिल्वर की थाली पर झाड़ने का विचार किया, किंतु उसके हाथ जहां के तहां रुक गए और उसने झटपट एक गिलास का सारा पानी हंडिया में पलटकर उसे जोर जोर से हिलाया। पानी का रंग हल्का सफेद मटमैला सा हो गया। उसने अपने का कप कपाते हाथों से हंडिया उठाई और थरथराते होठों से लगाकर पल भर में ही सारा पानी अपने पेट में उड़ेल लिया। काफी देर वह ऐसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी सांस में सांस जुड़ी। उसने उठकर बाहर झांका, झबरू रोटी उठाकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और अपने विचारों में डूब गई। वह सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर भगवान ने उसे ऐसी सजा क्यों दे रहा है। वह कुत्ते के मुंह से रोटी छीनने पर खाने के लिए विवश हो गई। हे भगवान, अभी आगे कैसे दिन दिखाने वाला है। 2 महीने से मनियोड नहीं आया और उधार में भी कुछ मिलना बंद हो गया था। वह कल की चिंता में विचारों में डूब गई। बाहर से तभी आवाज आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। कमला उठकर बाहर आई और सामने खड़े डाकियों को देखकर बोली, भैया, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी ऑर्डर लेकर आया है। मैं तो दाने दाने को मोहताज हो गई। डाकिया बोला, अम्मा, मैं क्या अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर आता हूँ? कोई उधर से भेजेगा तभी तो ला सकता हूँ। कमला बोली, हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सच है। तुम अपने घर से थोड़े ही कुछ लाकर आओगे, ये तो भेजने वाले की नियत पर ही रहता है। तब मनियाडर वाला बोला, दादी, पहले 50 रुपए दो, तभी मनियाडर तुम्हें मिल पाएगा। इस बार बेरंग मनी ऑर्डर आया है। बुढ़िया माई बोली, बेरंग? बेरंग का मतलब? डाकिया बोला, बेरंग का मतलब मनी ऑर्डर भेजने वाले ने वहाँ की सरकार की फीस जमा नहीं करी। जैसे कुछ लोग कोई भी कागज पर खत पाने का नाम पता लिखकर डाक में डाल देते हैं तो खत पाने वाले को उसका सरकारी खर्च चुकाना पड़ता है, इसी तरह बेरंग मनी ऑर्डर का खर्चा भी पाने वाले को भरना पड़ता है। तब विमला कमला कहने लगी, लेकिन भैया, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तब डाकिया कहने लगा, इसलिए तो मनी ऑर्डर इतने दिनों बाद पहुँचा है। अब जल्दी से 50 रुपए दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। कमला कहने लगी, भैया, मेरे पास 50 रुपए कहाँ, यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तब मनियाड़ वाला बोला, दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मैं भी मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ, तुम किसी से लेकर दे दो। कमला कहने लगी, मैं किससे मांगने जाऊँ बेटा, यहाँ रुपए देने वाला कौन है। तुम्हें 50 रुपए काट कर बाकी मुझे दे दो। तब जो डाकिया कहने लगा, मैं सरकारी आदमी हूँ, अम्मा, मेरे पास पैसे कहाँ से आए, महीने में पगार मिलती है, 2-4 पैसे हाथ में आते हैं, कितने दिनों से बच्चे नमक के साथ रोटी खाकर अपने दिन निकाल रहे हैं। अच्छा, तब कमला कहने लगी, उसने इंद्रास्व में कहा और लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, तुम यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले लेकर आती हूँ, लाओ पैसे मुझे दे दो, पहले तुम 50 रुपए लेकर आओ। डाकिया कहने लगा, तभी मनी ऑर्डर के पैसे दे सकूंगा। तब कमला कहने लगी, ऐसे कौन देगा बेटा पैसा, यहाँ किसी को किसी पर भरोसा कहाँ है। अच्छा तो यही होगा, तुम मेरे साथ ही चलो और वही खुले लेकर बाकी मुझे दे देना। डाकिया कहने लगा, यह क्या बात हुई दादी, मुझे और भी बहुत से काम है, सरकार ने मनी ऑर्डर पहुँचाने का काम मुझे सौंपा है,
ये तो नहीं कहा कि मैं साथ साथ घूमता भी फिरूं? कमला कहने लगी, तो बेटा तुम्हें कोई रास्ता बताओ, लाला भी मुझे पैसे क्यों देगा, वह तो बिना पैसे के लिए एक मुट्ठी नमक तक नहीं देता। 50 रुपए वे भला मुझे क्यों देगा, मनी ऑर्डर वाला बोला। ठीक है चलो, इतना टाइम तो नहीं है, मगर तुम्हारे लिए बेगार भी करूँगा, उसने एहसान सा जताते हुए दुखी कमला से कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। कमला ने छप्पर का दरवाजा बंद किया और उसके साथ लाला की दुकान की ओर चल दी। वह भी डाकिया अपनी साइकिल घसीटते हुए उसके साथ चला जा रहा था। वह चल तो आगे रहा था, किंतु ना जाने क्या सोचकर उसके पांव पीछे ही पड़ रहे थे। दफेरी में लाला दीवार के सहारे कोहनी लगाकर अलसाया सा बैठा उंग रहा था। कमला को अनजान डाके के साथ आया देखकर लाला थोड़ा सीधा बैठ गया और प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे देखने लगा। तब कमला कहने लगी, लाला जी 500 रुपए के खुले दे दो। तो लाला कहने लगा, हाँ हाँ 500 क्या, 1000 का खुला ले लो, कहाँ है 500 का नोट। तो कमला कहने लगी, यह लो। साथ खड़े व्यक्ति ने जेब से 500 का नोट निकालकर लाला को दिया और दूसरे क्षण बोला, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले मुझे 50 रुपए दे दो, बाकी इसे बाद में देते रहना। ऐसी भी क्या जल्दी है, लाला ने कहा, भाई मुझे नोट तो देखने दो, लाला ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा और नोट के ऊपर नीचे बहुत ध्यान से देखने लगा। खूब आश्वस्त होने के बाद उसने उस व्यक्ति पर और कमला दोनों को बारी बारी से देखा और लकड़ी के गले में से 50 का नोट निकालकर उस डाकिये को दे दिया। वह उस डाके ने 50 का नोट जेब में डालकर अपने थैले में से मनियार्ड फार्म तथा इंक पैड निकालकर कमला का अंगूठा लगवाया और लाला के सामने गवाही के लिए फार्म आगे बढ़ा दिया। लाला ने मनी ऑर्डर की रकम देखकर फार्म पर गवाही के अपने दस्तखत कर दिए। वह व्यक्ति सचमुच में बहुत जल्दी में था, उसने झटपट मनियार्ड फार्म और इंक पैड लेकर अपने थैले में डाला और तुरंत साइकिल पर सवार होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लाला ने धूप में गुमसुम खड़ी कमला को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कमला तुम्हें भी कुछ लेना है तो? कमला कहने लगी, हाँ लाला जी थोड़ा आटा दाल मिल जाता तो? तो लाला कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आटा दाल ही क्यों, मिर्च मसाला और घी चीनी सब लेकर जाओ, बेटे ने मनिया डर भेजा है, हलवा पूरी बनाकर खाओ। कमला कहने लगी, काहे का हलवा पूरी लाला जी, दाल रोटी ही मिल जाए तो भगवान का शुक्र है, आप शेर भर आटा और दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लाला कहने लगा, जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और पास रखी बोरी में से आटा निकालकर तोला और कागज की थैली में डालकर अपने पास रख लिया। फिर टीन के डिब्बे में से दाल निकाली और एक पुड़िया बनाकर आटे के पास रख ली। वो घी तेल के लिए उसकी ओर देखने लगा, मगर उसे खाली हाथ देखकर पूछा, कमला घी के लिए बर्तन नहीं लाई? तो कमला कहने लगी, घी की जरूरत नहीं है लाला जी, आटा दाल ही बहुत है। तो लाला कहने लग, तब लाला कहने लगा, लेने वाले को याद रहे ना रहे, लेकिन देने वाले को सब याद रहता है, तुम दो बार आटा लेकर गई दाल और मिर्च मसाला अलग। कमला कहने लगी, दूसरी बार दिया कहाँ था लाला जी, मैं तेल डलवाने के लिए डिबरी लेकर आई थी, तुमने तेल के लिए भी मना कर दिया था, उस दिन से आज तक मैं अंधेरे में बैठी हूँ, अच्छा किया तुमने याद दिलवा दिया। लाला कहने लगा, मैं तो एक बोतल घास लेट के पैसे भूल ही गया था, अब 340 और 50, 390 और मेरे बेटे दुलीचंद के दूध के 170 रुपए भी हैं, के खाते में लिखा रखे हैं उसने। तुमने अभी तक दूध के पैसे कहाँ दिए, कुल मिलाकर 560 रुपए हो गए। और हाँ, उसकी टाल से पिछले महीने 50 रुपए की लकड़ियाँ भी लेकर आई थी, 600 की उधार लेकर तुम तो आराम से बैठ गई, लेकिन यहाँ 2-2 रुपए के हिसाब के लिए घर में क्लेश हो रहा है, इसलिए दुखी होकर हमने उधार खाता ही बंद कर दिया। कोई क्या क्या याद रखे, देने वाले तो सामान लेकर जो दे देते हैं, लेकिन लेने वाले भूल जाते हैं लाला जी, जो कमला कहने लगी, गांव में लकड़ी मोल लाने की जरूरत क्या है, किसे है मोल लेने की जरूरत, मैं कभी किसी के खेत से मैं जाती हूँ तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बीन लाती हूँ, वैसे मेरे घर में आग जलती ही कितनी है। लाला कहने लगा, देखो कमला, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं है,
अपना पेट तन काटकर और बाजार से पहले रोकड़ा देकर सामान लाते। दो पैसे के लोभ में दिन रात भागे फिरते हैं और लोगों को घर बैठे उनकी जरूरत का सामान लाकर देते हैं। घर में दूध दही सब है, लेकिन हम अपने बच्चों को ना देकर लोगों की जरूरत पूरी करते हैं। हमने तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें सामान उधार दे दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया? तुमने एक गाड़ी नरमे की सूखी सटिया घर में नहीं डलवाई थी। खा जाओ बेटे की कसम, और दुकान से सामान लेकर नहीं खाया, वह सब भूल गई। तब कमला कहने लगी, मैं कुछ नहीं भूली लाला जी, मुझे सब याद है, लेकिन जितना आप बता रहे हैं मैंने उतना सामान नहीं लिया। आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन 50 रुपए के लिए मैं बेटे की कसम खाऊं, यह नहीं होगा। मनी ऑर्डर लाने वाले को तुमने खुशी खुशी 50 रुपए का इनाम दे दिया। लाला बोला, कमला तुमने मनी ऑर्डर लाने वाले को खुशी खुशी 50 रुपए का इनाम दे दिया? हमारा आटा तेल लकड़ी और 2 महीने का इंतजार सब भूल गई। कमला कहने लगी, मैं किसी को क्या इनाम दूंगी? वो तो मनी ऑर्डर की फीस के पैसे थे जो रवि ने वहाँ जमा नहीं किए थे। इस बार उसने बेरंग मनी ऑर्डर भेजा था। तो लाला बोला, क्या बेरंग मनी ऑर्डर? तो कमला बोली, हाँ लाला जी, उसने बताया कि रवि ने वहाँ फीस जमा नहीं करवाई थी, इसलिए सरकारी फीस मुझसे वसूल की गई है। आपने तो मनी ऑर्डर देखा था और उसे 50 रुपए भी दिए थे। लाला कहने लगा, मनी ऑर्डर भी बेरंग होता है, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। कमला, ये रोज वाला डाकिया तो नहीं था? कमला कहने लगी, हाँ था तो कोई दूसरा, मगर मनी ऑर्डर देकर गया है, इसलिए था तो डाकिया ही। तब वह कहने लगा, लाला हाँ था तो डाकिया, मगर लगता है वह तुम्हें बावला बनाकर चला गया। कमला, बेरंग चिट्ठी तो सुनी थी, मगर बेरंग मनी ऑर्डर मैंने आज तक नहीं सुना। कमला बोली, भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे भले बुरे का ध्यान कहाँ रहता है, वह तो जानवर के जैसा ही होता है। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य उभराया जब वह रोटी के लिए लकड़ी लेकर झबरू पर झपटी थी, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था अब लाला उसे बावला बनाने का प्रयास कर रहा है। उसने रूखे स्वर में लाला से कहा, लाला, भूखे आदमी को कोई भी बावला बना सकता है। लाला जी, उसे तो जिधर भी इच्छा हो उधर ही हांक दो, ऊंची आवाज में जोर से डांट दो, उसे थोड़ा सा हड़का दो और 2 डंडे मार दो, वो तो किधर भी मुड़ जाएगा। लाला कहने लगा, कमला मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन जब औलाद ही नालायक निकल जाए तो किसी का क्या जोर? तेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी नालायक औलाद का होना ना होना एक बराबर ही है। तू भी सब्र कर ले कि तेरा बेटा, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, कमला बोली, नहीं लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वो तो लाखों में एक है, जरूर उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, वरना वह तो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। उसकी सुस्का आंखों में एकदम से आंसू उमड़ आए। कमला कहने लगी, मैंने जिन दुखों से उसे पाला है वह कभी नहीं भूल सकता लाला जी। तभी लाला बोले, तो कमला तभी तो 2 महीने का मनी ऑर्डर नहीं भेजा, और आज भेजा है तो वह भी बेरंग, ऐसा ही लायक होता तो अपने पास नहीं रखता तुझे। तेरी 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े उसे इतने भारी पड़ गए कि वह तुझे इस वक्त बुढ़ापे में बेसहारा अकेली छोड़कर चला गया। गांव के लड़के चाहे अनपढ़ है, कमला मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के पास तो है, बड़े अफसर होने से तो अनपढ़ गवार ही भले, जो दुख सुख में सब साथ तो है। तो कमला कहने लगी, क्या कहूँ लाला जी, मेरी किस्मत ही खोटी है, वरना मेरा रवि तो ऐसा नहीं था, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, जब से ब्याह कर आई थी ऐसी ही जिंदगी बिताई है, खुद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला है, और आज मैं अपने लायक तो कमा ही सकती हूँ, और लाला जी आटा दे दो तो मैं भी यहाँ से जाऊँ। लाला कहने लगा, तेरी मर्जी, बाकी पैसा जमा कर लूका। कमला तुम कहाँ संभालती फिरोगी? उसने आटा दाल पकड़ाते हुए कहा। तो कमला कहने लगी, नहीं लाला जी, बाकी के पैसे मुझे दे दो, ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी? लाला कहने लगा, जैसी तेरी मर्जी, मैंने तो इस विचार से कहा था कि जब तुम सामान लेने यहीं से ही तो लेती हो आओगी तो मैं तुम्हारे खाते में लिख कर रखता हूँ, और जब तुम्हें जरूरत होती तो सामान ले जाती। कमला कहने लगी,
बात तो तुम्हारी सही है लाला जी, सामान तो मैं आपसे ही लेकर जाती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे हो तो जरूरत के हिसाब से सामान लिया जा सकता है। रात बिरात हारी बीमारी में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हाथ में पैसे होने से किसी को तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। लाला बोला, ठीक है, बाकी के 390 रुपए शाम को ले जाना, नहीं तो उधर से निकलते वक्त देता आऊँगा, अभी खुले रुपए नहीं है, कल दुलीचंद दूध देने आएगा तो वह पहुँचा देगा। कमला कहने लगी, नहीं लाला जी, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। तो लाला कहने लगा, कैसी बातें करती हो कमला, अगर इस वक्त दूध घी नहीं खाएगी तो कैसे निकलेगा। कमला कहने लगी, अब और कौन से बुढ़ापे का इंतजार करूंगी। लाला जी, यही रोकी सूखी खाकर निकल जाए तो भगवान का शुक्र है, दूध लेने की मेरी गुंजाइश नहीं है, आप मेहरबानी करो। लाला बोला, ठीक है, अभी 50 रुपए लेकर जाओ, बाकी शाम को लाकर देता हूँ। लाला ने कहा और उठकर दुकान के बीच के रास्ते से घर में जाने लगा। तब कमला कहने लगी, लाला जी, अब क्या और शाम क्या होगी, आपको देने हैं तो अभी दे दो। लाला कहने लगा, अरे कमला, हमने तो 2 महीने तक इंतजार किया और तुम्हें शाम तक का सब्र नहीं है, भरोसा रखो। कमला, मैं दुकान खोलकर बैठा हूँ, गांव छोड़कर नहीं भागूंगा। और लाला ने कहा और अपने घर के अंदर चला गया। कमला शेर भर आटा छाती से लगाकर खिड़की में से जो अंदर चले गए, लाला को देखती रह गई और दोपहर का सूर्य अपनी प्रचंड धूप में तप रहा था, जिसके ताप से दूर दूर तक मैदान अग्नि की तरह जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। बेचारी हताश निराश कमला डगमगाते धीरे धीरे चलती हुई अपने घर की ओर चल पड़ी। लाला ने कमला के नाम आए बेरंग मनियाडर के 950 के हिसाब को 1.5 महीने तक खींच कर ऐसा समेटा कि बूढ़ी कमला एक दिन भी पूरी रोटी ना खा सकी। झबरू का हिस्सा भी सिमट कर चौथाई रोटी तक रह गया था, लेकिन वह मोहल्ले भर में भटकने के बाद आखिर कमला दादी के आंगन में ही आकर बैठता था और डाकिये के इंतजार में गली के आखिरी छोर तक देखता रहता, लेकिन डाकिया ना आना था और ना ही आया। और वह आज 1.5 महीने बाद कमला एक बार फिर लाला की दुकान पर पहुंची। लाला ने बिना काम की व्यवस्था दिखाते हुए और मिर्च की बोरी झाड़ने के बाद उसे उपेक्षा पूर्वक देखा। फिर कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या हुआ कमला, तेरी तबीयत तो ठीक है। कमला कहने लगी, हाँ लाला जी, लेकिन तबीयत का क्या करूं, ये बेरी शरीर पीछा ही नहीं छोड़ता, कितना भी जतन कर लो प्राण निकलने का नाम नहीं लेते, आटा खत्म हो जाता है लेकिन ये दुश्मन फिर भी भूख भूख चिल्लाने लगता है, एक शेर आटा दे दो। लाला जी तो बड़ी मेहरबानी होगी। लाला कहने लगा, लेकिन तुम अभी तो आटा दाल लेकर गई थी, क्या सारा खत्म हो गया। कमला कहने लगी, अभी कब लाला जी, 1.5 महीने भर पहले शेर भर आटा लिया था, उसे पहले भी एक शेर ही तो आटा लिया था, आपने कमला ने याद दिलवाया। तो लाला बोला, मतलब तो 1.5 महीने में 2 शेर आटा खा गई, इस उम्र में तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कमला। लाला ने बड़े आश्चर्य करते हुए कमला को नसीहत दी। कमला कहने लगी, क्या करूं लाला जी, छटाक भर आटे से दिन निकालने पर भी आटा खत्म हो ही जाता है, उसमें चौथाई टुकड़ा बेचारा झबरू भी खा लेता है, खुद के पेट का कोई ठिकाना नहीं है। लाला कहने लगा, लेकिन तू दान पुण्य दया धर्म का पल नहीं छोड़ेगी, अब कौन से परलोक की बाल बांध रही है। कमला, तेरा लोक परलोक तेरे सामने आ गया है, तेरे बेटे रवि ने मनी ऑर्डर भेजा कि नहीं। तो कमला कहने लगी, नहीं अभी तक तो नहीं भेजा, शायद आजकल में आ जाए, आप बाकी के बचे हिसाब से शेर भर आटा दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, तब तक मैं काम चला लूंगी। लाला बोला, हिसाब में बचा ही क्या है कमला, 400 रुपए में से तुम 250 का सामान ले चुकी हो, तेरी वजह से मेरा 3 से दूध खराब हो गया, दुलीचंद तेरे लिए पाव दूध रोज लेकर जाता है, राम कसम लाला जी। कमला कहने लगी, उसके बाद मैंने कभी दूध उससे लिया ही नहीं है। तो लाला कहने लगा, मैंने कब कहा कमला कि तूने दूध लिया है, लेकिन तेरे कारण मेरा एक पाव दूध तो खराब हो गया, उसका तो हर्जाना हुआ ना। तो कमला कहने लगी,
पाओ आज पाओ दूध तो गाय पोसाते वक्त बछिया बछड़ा भी पी जाते हैं। लाला जी लाला बोला, बछिया ऐसे कैसे दूध पी जाएगी, मैं उसके मुंह पर मोहरी बांध कर लगा कर रखता हूँ और गाय के शेर सवा शेर दूध में बरकत भी कहाँ होती है, ना बच्चों के मुंह में पड़े और ना ही रोज के बंदी वालों को दूध पहुँचे। मैंने 15,000 खर्च करके भैंस खरीदी, तभी किसी के घर में दूध पहुँचा पाया हूँ, जो कमला कहने लगी, लेकिन लाला जी मैं तो छटाक भर भी दूध लिया हो तो मुझे भगवान की कसम है। लाला कहने लगा, हाँ वही बात तो बता रहा हूँ, तूने तो दूध नहीं लिया, लेकिन तेरे लिए एक पाव दूध रोज मेरे घर से तो निकलता था, जो तुलीचंद लेकर जाता था, लड़का उसके लिए फिरता है, जब वो सबका दूध पहुँचाकर फारिग होता तब तक दोपहर हो जाती। 3 महीने से कितनी गर्मी पड़ रही है कमला, तू ही खुद बता, गर्मी में दूध खराब होगा कि नहीं? मेरा 3 शेर दूध बर्बाद हो गया, लेकिन तेरी हालत देखकर मैंने फिर भी अपने मन को समझाया और भगवान की इच्छा मानकर अपना नुकसान भूल गया। तेरा हिसाब बराबर हुआ, लेकिन तू फिर तकादा करने आ गई। तब कमला कहने लगी, लाला जी मैं तो 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार ही आटा लेकर गई थी, उसके 250 रुपए कैसे हो गए? कमला बड़े दुखी होकर कहने लगी। तो लाला कहने लगा, एक बार मनी ऑर्डर के पैसे लेने आई तब, और फिर दोबारा आटा दाल लेकर गई, 50 रुपए का आटा और 20 रुपए की दाल, 70 और 140 रुपए, और उसमें जो 210 रुपए, एक बार तू मटर और दूसरी बार गोभी लेकर गई, 20 और 20 20 40 और 240, 250 हुए कि नहीं? लाला, कमला कहने लगी, आप खुद ही 2 वक्त के आटा दाल का हिसाब बता रहे हो, फिर तीसरी बार कैसे जुड़ गया, और दाल तो आपने पहली बार दी थी, तीसरी बार तो मैं अब आई हूँ। तो लाला कहने लगा, वही तो अब तीसरी बार के हिसाब को जोड़ा है कमला, मैं गांव में दुकान खोल के बैठा हूँ, कोई ऐसे बेईमानी करने लगा तो कौन मेरी दुकान पर आएगा? लेकिन लाला जी, कमला कहने लगी, गोभी मटर आलू प्याज तो मैंने साल भर से कभी सपने में भी नहीं देखे, खाने की बात तो बहुत दूर रही, आप कहीं चूक रहे हैं लाला जी, मैं तो बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूँ, उसने दर्द भरे स्वर में कहा। तो लाला कहने लगा, अरे राम, उसने कानों पर हाथ लगाया और क्षण भर बाद फिर बोला, चलो तेरी ही बात मान लूं कमला, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वही खाता तो झूठ नहीं बोल सकता, खुद देख ले इसमें गोभी और मटर लिखा है कि नहीं, मुझ पर यकीन नहीं तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा कर देख ले, मैं भी बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, आस औलाद मेरे भी है, मैं भी 2-4 पैसे के लिए अपना ईमान क्यों बेचूंगा, आखिर मुझे भी भगवान को जो जान देनी है, तू बता मुझे तुझे क्या चाहिए? कमला कहने लगी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी, आपके हिसाब के बाकी बचे मेरे 50 रुपए मुझे दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो लाला कहने लगा, क्यों, कहीं किसी दूसरी दुकान से सौदा लेने का इरादा है? तब कमला कहने लगी, नहीं लाला जी, मुझे अब से कुछ नहीं लेना है, सोचती हूँ आटा आटे से तो पेट नहीं भरता, अब रुपए ही खाकर पेट भरकर देख लेती हूँ, शायद उसके बाद भी कभी भूख लगेगी नहीं। तब लाला कहने लगा, लगता है कमला तू पैसे के लोभ में पगला गई है, कभी किसी को रुपए खाते देखा है? खाने के काम तो अनाज ही आता है, बड़े बड़े लखपति करोड़पति भी अनाज ही खाते हैं, रुपया पैसा धन दौलत हीरे जवाहरात तो सिर्फ ऊपरी चमक धमक है, धन दौलत तो मरते वक्त किसी के साथ भी नहीं जाती, सब कुछ यही पड़ा रह जाता है। तब कमला कहने लगी, सच कहते हो लाला जी, आपने बहुत गहरी बात कही है, लेकिन मैं खाकर मरना चाहती हूँ, आप मेरा हिसाब कर दो। लाला बोला, ठीक है कमला, अगर तेरी यही इच्छा है तो ये ले 50 रुपए बाकी, 100 रुपए खुले होने पर मैं तेरे घर पहुँचा दूंगा, तो नहीं तो शाम तक दुलीचंद के हाथ भिजवा दूंगा। लाला ने 50 का नोट देते हुए जो कमला से कहा। कमला ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी लाला जी, भगवान आपके परिवार को हंसता खेलता और सुखी रखे। उसने अपने आंसुओं को छिपाते हुए लाला से कहा,
और 50 का नोट लेकर अपने घर आ गई। आस पड़ोस और मोहल्ले में कमला के दर्जनों देवर, जेठ, भतीजे, भतीजियां और नाती पोते थे, लेकिन किसी ने आकर कमला से नहीं पूछा कि वह कैसी है, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। केवल आंगन में बैठा झबड़ू उसकी बेचैनी और बेवसी को देखकर रोता रहा। जब कमला को ही एक समय की सूखी रोटी मुहसर नहीं हो रही थी तो उस बेचारे को खाने को कहां से मिलता। कमला को वह दिन याद आ गया जब रवि 5 साल का था, तब उसके पिता उसको अनाथ और बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। कमला की भी उम्र उस समय 30 से ऊपर नहीं थी, लेकिन अपने बेटे रवि का मुंह देखकर भगवान के साथ सहारे उसने अपनी कमर कस ली और उसने जहां कहीं भी उसे झाड़ू, पोंछा, बर्तन भांडे का काम मिला, उसने बिना शर्म, झिझक और मेहनत के काम किया और अपना पेट पालने के साथ साथ उसने रवि को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा होने लायक भी बनाया। वह पढ़ लिख कर अच्छी सरकारी नौकरी पा गया और सुंदर सुशील लड़की से शादी करके शहर में आ गया। कुछ दिनों के बाद वह माँ को भी अपने पास ले आया। 2 साल तक कमला ने बेटे बहू की लगन, बहुत ही लगन और अपनी पूरी सामर्थ्य से खूब सेवा की। बहू के खूब लाड चाप करके उसने अपनी जिंदगी का सपना पूरा किया। 2 साल बाद लड़की होने पर भी कमला ने बहू के जापे में माँ जैसा प्यार दिया। बच्ची और बहू के स्वास्थ्य के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। उसने 3 महीने तक बहू को पलंग से नीचे पैर नहीं रखने दिया। उसका सोच पखाना सब बिस्तर पर समेटा। वह बहू के लिए पंजीरी हलवा बनाकर बहुत खुश होती थी। बच्ची की मालिश करने और नहलाने में उसे बहुत ही आनंद की तृप्ति होती थी। बेटे का मनपसंद खाना खिलाकर उसकी आत्मा खिल उठती थी। वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। घर की साफ सफाई, बर्तन मांजने, कपड़े धोने में उसे पल भर का भी आराम नहीं मिल पाता था। लेकिन अपने परिवार को फलता फूलता और खुश देखकर वह सब कुछ भूल जाती थी। उसे खुशी थी कि ईश्वर ने उसकी मेहनत का उसे भरपूर फल दिया। 30 साल के उसके विधवा जीवन का संघर्ष उसके लिए खुशियों तथा राम का समय लेकर आया था। रवि और बहू उसे माँ कहकर कोई भी काम बताते तो वह झूम उठती। आधी रात को उठकर भी वह अपने बहू बेटे के लिए चाय कॉफी बनाकर देती। उसे गर्व होता था कि उसका बेटा और बहू उसे कितने प्यार और अपनापन से जो अपने पास बुलाया है। वो पोती के रोने पर उठकर दौड़ आती और उसे अपनी बाहों में सुलाकर झुलाकर जब नींद की थकावट सब भूल जाती, उस हृदय में जो ममता और वात्सल्य का ज्वार आ जाता। बच्ची को अपनी छाती से लगाकर उसे संसार भर का सुख तथा ऐश्वर्य मिल जाता था। इससे आर्थिक और अधिक की उसने जो भगवान से भी जो कामना नहीं की थी। लेकिन संसार में ऐसा कब हुआ है कि किसी को प्यार के बदले प्यार मिला हो, नफरत नहीं। कम से कम उसके देखने में तो ऐसा ही नहीं हुआ। और उसने सुना था कि रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राज गद्दी दिलवाने के लिए राजा दशरथ से जरूर छल किया और राम को वनवास दिलवाया था, लेकिन उसने तो अपने बेटे से प्यार के वशीभूत किसी के बहकावे में आकर कपट किया था। लेकिन मेरी बहू को कौन से बेटे को राज गद्दी दिलवानी थी। मैंने तो रवि को शादी होते ही अपनी बहू के हवाले कर दिया था। अगर मेरे बेटे ने पगार लाकर मेरे हाथ पर रख दी तो मैंने उसे क्या ले लिया। उसी समय तो सारी रकम झोली पसार कर बहू को सौंप दी। तो क्या माँ बाप का इतना भी हक नहीं कि बेटे की शादी के बाद उसकी कमाई को अपने हाथों से लग लगा कर भगवान को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। लेकिन छिनाल ने ऐसा प्रपंच रचाया, अगर कैकई भी देखती तो जो गस खा जाती। बैंक की सेल बंद, गड्डी में से 1000 रुपए गायब हो जाना किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन रवि की अकल पर कैसे पत्थर पड़ गए। वह तो सब जानता समझता था कि सीलबंद गड्डी में से सिर्फ 100 रुपए कैसे गायब हो सकते हैं। उसने भी आंखें नीची करके बहू की बात को सच मान लिया और चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। ऐसे सपूत से क्या उम्मीद करूं कि वह मुझे प्यार और श्रद्धा से अपने साथ लेकर आया था। जितने दिन मैं नौकरानी की तरह उसकी सेवा करती रही, उसे अपने साथ रखा और जब उसका काम निकल गया तो मुझे बहाने से गांव छोड़ गया। धिक्कार है ऐसे जोरू के गुलाम पर, तू तेरी अफसरी पर नालायक कपूत कहीं के। लेकिन ये दिन तेरी जिंदगी में भी जल्दी ही आने वाले हैं, जब भगवान तेरा भला करे। तू दूधो नहाए और पूतो फले, तेरे घर में तेरे जैसा ही श्रवण कुमार होगा। जितने दिन में नौकरानी की तरह तुम्हारी सेवा करती रही, उसे अपने साथ
उसने अपने साथ रखा और जब उनका काम निकल गया तो मुझे गांव भेज दिया। जा भगवान तेरा भला करे, दूधो नहाओ, पूतो फलो, तेरे घर में भी तेरा जैसा श्रवण कुमार पैदा हो, तुझे पलकों की छाव में रखे, तेरे पास नहीं आऊंगी बेटा और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी, मरते मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मैं तेरी इज्जत आबरू के लिए मैं यहाँ पड़ी थी, लेकिन आज भी मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला है कि मैं पूरे परिवार का पेट पाल सकती हूँ। जा बेटा, मैंने तुझे मात्र ऋण से मुक्त कर दिया, अब मैं अपने ढंग से और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। क्या करूंगी और कहाँ रहूंगी? रवि, तू आखिर तक माँ की सूरत भी नहीं देख पाएगा। उसकी आंखों से आंसू और गले से हिचकी निकल पड़ी। रवि, तू अपनी घरवाली के कहे में चलना और उसे खुश रखना। माँ का क्या है, माँ तो जन्म देने और अपना दूध पिलाकर पालने पोसने तक का काम आती है। घरवाली का तो जन्म जन्म का नाता और आखिरी सांस तक का रिश्ता होता है। तू अपना गृहस्थ धर्म निभाना और फिर के समय दिए वचनों का तन मन से पालन करना। आज के बाद इस अभागी माँ को कभी याद भी मत करना। भूल जाना कि माँ ने किन किन हालातों में तुझे पाल पोस कर साहब बनने लायक बनाया था। तू खूब तरक्की करके सबसे बड़ा अफसर बनना और अपने बीवी बच्चों को खूब खुश रखना। भगवान तुझे और तेरे परिवार को सुखी और सलामत रखे। सोचते सोचते कमला की आंखों में आंसू बहने लगे और आंसुओं ने सिसकियों का रूप ले लिया। आज मिले 50 के नोट ने उसने अपनी धोती के पल्लू से मजबूती से बांधा और एक झटके से उठकर कोने में रखे लकड़ी के बड़े से संदूक के पास गई। लाला ने पहली बार मिला 50 का नोट, उसने एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर इस संदूक में रखा, जो पति के और खुद के कुछ नए पुराने कपड़ों के बीच छुपाकर रखा हुआ था। आंसू भरी आंखों और नाक से बहते स्राव को पहुंचकर वह कपड़ों के बीच रखे नोट को ढूंढने लगी, लेकिन कपड़े का छोटा सा लाल टुकड़ा उसे संदूक में नहीं मिला। लेकिन चार बार कपड़े उलट पुलट करने के बाद वह निराशी होकर सिर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद सोचने के बाद एक बार फिर आके पहुँच कर उठी और एक बार फिर कपड़ा निकाल कर झाड़ने लगी। छोटा सा लाल कपड़ा कुर्ते की जेब में घुस गया था। उसने धड़कते दिल से कपड़ा निकाल कर देखा तो उसमें नोट बंधा होने का आभास पाकर वह थोड़ी आश्वस्त हुई और कपड़ा खोलकर नोट निकाल लिया। उसने पल्लू में बंधा नोट और लाल कपड़ा खोलकर निकाला नोट एक साथ, जो सावधानी से पल्लू में बांध लिए संदूक में सबसे नीचे उसे गोटे से चमकता लाल जोड़ा लहंगा चुनरी नजर आया, जो उसकी शादी के समय माँ ने उसे दिया था। उसके मुँह में एक करहा निकली। उसने डबडबाई आँखों से कपकपाते हाथों से शादी का जोड़ा उठाया, अपने माथे से लगाकर बिलखने लगी। आंगन में बैठा झबरू और बिरान पड़े। चूल्हे पर दीवार के सहारे झुका नीम का पेड़ भी सिसक उठे। जिस दिन से कमला माँ का घर छोड़कर पति के पीछे पीछे इस घर में आई थी, उसी दिन से केवल दुख और तकलीफों के अलावा उसके हिस्से में कुछ नहीं आया था। पति के साथ वह लोगों के खेतों में मजदूरी कर और उसके मरने के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और उसके बताए सभी काम। 14 साल की उम्र में भी उसे आराम नहीं था और 8 साल की उम्र में भी वह उतनी ही विवश और लाचार थी। कुछ शयन होने के बाद उसने संदूक में झांका तो एक कोने में उसे एक लाल कपड़ा नजर आया। पति को अर्थी पर उतारने से पहले उसके जेठ के जो जेठ ने पति के कानों में जो पहनी हुई मुर्कियां और गले में पहना हनुमान जी की छाप दिखाता हुआ ताबीज निकाल कर दिया था, सुहाग की निशानी के रूप में जो माँ द्वारा दिया गया। कमला की नाक का कोका और कानों की छोटी छोटी बालियों का जोड़ा भी साथ था, जो उसने लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिया था। शायद माँ ने एक जोड़ी चांदी की पा जेब भी उसे पहनाई थी, लेकिन खेतों में काम करते करते जब कब वह टूट गई उसे पता ही नहीं चला। पति की कभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि वह उन्हें जुड़वा देता। माँ बाप ये चार चीजें देकर उस समय शायद 500-1000 रुपए कर्जा लिए हो, किंतु गांव में खूब वाहवाही लूटी थी। किंतु पति की मौत के बाद शादी की चारों निशाने उसने निकाल कर रख दी थी। उसने कपड़े के थैले में से शादी का जोड़ा और पति का कुर्ता धोती तह करके रखा और आंसू भरी आंखों से झोपड़े के दरवाजे को ताला लगा कर आंगन में आ गई। झबरू उसके पैरों में लौटने लगा, शायद उसके आखिरी फैसले को झबरू जान चुका था।
कमला ने क्षण भर उसे बड़े प्यार से सहलाया और अपनी व्यवस्था पर निश्वास छोड़कर गली में आ गई। अड़ोस पड़ोस के परिचित घरों को उपेक्षा से देखती हुई वह बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। दोपहर ढलने लगी थी लेकिन हवा अभी भी बहुत गर्म थी। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। जानवर पेड़ों के नीचे बस स्टैंड की और वह बढ़े जा रही थी। उसका सिर धूप से उबलने लगा था किंतु पांव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस स्टैंड भी सुनसान पड़ा था। छत के नीचे बेंचों पर बैठे यात्री भी अपनी गर्दन के ऊपर जो ऊपर के भाग पर कपड़े से छुपाए हुए थे। कमला खड़ी खड़ी इधर उधर देखती रही कि छत के नीचे आकर चाय की दुकान के सामने खड़े बेंच पर बैठ गई तो दो दिन से खाली पेट पेट में जो गुड़गुड़ हो रही थी। चाय की दुकान पर शीशे के पारदर्शी मृतवान में बिस्कुट और लंबे लंबे फैन नजर आ रहे थे। कमला ने डेढ़ महीने से चाय नहीं पी थी। दुकानदार ने उसे मर्तवानों पर नजर गड़ाए देखा तो उसके पास आकर बोला, माई चाय पियोगी क्या? तो वो तो वहाँ का स्वाद भी भूल गई थी कि चाय का स्वाद कैसा होता है। उसने सूखे गले से कहा और उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वह हाँ सबको उसके बिना आवाज निकले ही जो वह चाय वाला समझ गया था। उसने भट्टी के पास रखी सिल्वर की केतली में से मिट्टी के कुल्लर में चाय भरकर पकड़ाई और उसे चाय देकर बोला, माई बिस्कुट दूं या फैन? तो जो कमला कहने लगी, बिस्कुट कितने का है? उसने डरते हुए पूछा तो चाय चाय वाला बोला, 5 रुपए की चाय और 5 रुपए का बिस्कुट, कितने बिस्कुट दूं? फैन भी 5 का ही है। तो विमला कहने लगी, 2 बिस्कुट दे दो, उसने साहस करके कहा। तो कमला ने के साथ 2 बिस्कुट खाए तो टिमटिमाते हुए दीपक की बत्ती जैसे तेल यानी प्राणों में उसके थोड़ी जान सी आ गई। उसने साड़ी के पल्लू को खोलकर जो 2 में से 1 50 का नोट उसे दे दिया और शेष मिले 350 रुपए के नोट के साथ पल्लू में कसकर बांध लिए। तभी एक बस वहां आकर रुकी तो यात्रियों में कुछ हलचल सी हुई। बस ने उतरी सवारियों को देखकर 1-2 रिक्शा वाले भी घंटी घंघनाते हुए आ पहुंचे। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बीड़ी पीने लगा और कंडक्टर चिल्ला चिल्ला कर रोड के विभिन्न गांवों के नाम लेकर पुकारने लगा। कमला अपने गांव का नाम सुना तो वह भी जाकर बस में बैठ गई। बस में गिनती की सवारियां थी। बस स्टैंड पर धीरे धीरे सवारियां बस में बैठने लगी, लेकिन कंडक्टर उतनी सवारियों से संतुष्ट नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, इसके बाद कोई दूसरी बस नहीं आएगी। कोई साफिर चूक गया तो उसे रात भर स्टैंड पर ही बैठना पड़ेगा। वह चिल्लाता रहा। वहाँ कोई पीछे रहने वाला नहीं था। ड्राइवर ने बीड़ी का आखिरी कस खींचकर अपनी सीट संभाली और कंडक्टर यात्रियों की उम्मीद से बस के दरवाजे पर खड़ा गांवों के नाम पुकारता रहा। काफी दूर जाने के बाद उसने टिकट काटना शुरू कर दिया। कमला ने टिकट ली और अपना थैला गोद में रखकर अपने गांव की ओर जाने वाले ओबड़ खाबड़ रास्तों को धुंधलाई आंखों से देखने लगी। 2-2.5 घंटे तक खेतों में जो बस पूर्वों की ढानियों तथा गांवों की सवारियां उतारती, बस एक पूर्वे के पास जाकर रुक गई। कंडक्टर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की कि बस आगे का जो बस का बल्ब टूटा हुआ है, अंधेरे में बस अब आगे नहीं जा सकती। आखिर गांव नजदीक ही है, सवारियां उतरकर अपने अपने घर चली जाएं। बस में कमला के अतिरिक्त एक अधेड़ यात्री ही बचा था जो नीचे उतरकर एक दिशा से दूर टिमटिमाते प्रकाश की ओर बढ़ गया। कमला को भी मजबूरन उतरना पड़ा। खेत में खड़ी फसल और घास को रौंदती हुई बस जिस रास्ते से चली आई थी फिर उस पर वापस चल दी। कमला 2 झोपड़े के पूर्वे के पास खड़ी अपने गांव का रास्ता पहचानने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन वर्षों बाद इस इलाके में आई कमला को दिशा भ्रम हो गया था। जिन खेतों में उसका बचपन बीता था आज वही उसकी पहचान में नहीं आ रहे थे। वह अंधेरे में अंदाजा लगाती कुछ आगे बढ़ी तो एक औरत झोपड़े से बाहर निकल कर उसकी तरफ आई और वह उसे देख कर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसने उत्साहित स्वर में कहा, उस औरत ने, तुम आ गई माँ, मैं अष्टमी की कढ़ाई करके भोहर के तड़के से तेरी बात जो रही थी। पड़ोस की दोनों कन्या उल्टी दस्त से बावली हुई पड़ी है। मैं उन्हें भी भोग नहीं लगाया, मैं अपना व्रत खुलवाने को, तू खुद चलकर आ गई माँ, मेरा तो भाग खुल गया। आमा भीतर रा, मेरा मर्द भी भूखा बैठा है, आजा माँ। माँ, वह कमला को झोपड़े में ले गई। वह औरत और उसका घर वाला उसे देखते ही उठा और उसके पैरों में लूट गया। माता के उपासक पति पत्नी की उम्र मुश्किल से 30-40 साल रही होगी।
लेकिन भूख और कंगाली में कमला के भी बूढ़े जान पड़ रहे थे कि कमला की तरह गरीब थे वे। कंकाल स्वरूप मजदूर कमला को साक्षात देवी मानकर उसकी पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्होंने उसे जंगली घास पर घास के आसन पर बैठाकर पहले चरण पखारे, फिर चूल्हे की आड़ से टिमटिमाता दिया सिल्वर की थाली में रखकर उसकी आरती उतारी और लाल मिट्टी से तिलक किया। उसके बाद उसे उबले काले चने और गुड़ की लपसी का भोग लगाया। कमला ने दो दिन में केवल बस स्टैंड पर एक कप चाय के साथ दो बिस्कुट खाए थे। वह जो लौने चने और लपसी भर पेट खाकर पेट भरकर खाई और तृप्त हो गई। उसकी भूख से छटपटाती आत्मा गदगद हो गई। और जो कमला उन्हें ढेरों आशीर्वाद देने लगी। पति पत्नी ने माता के चरण स्पर्श करके अपना उपवास खोला। वह वहीं झोपड़े में घास के आसन पर अपनी धोती बिछाकर माता को उन्होंने सुला दिया। भोजन के पश्चात वे भी वहीं एक कोने में जमीन पर लेट गए। नींद और थकावट से और भरपेट भोजन मिलने के बाद कमला की आंखों में जो नींद आने लगी, लौटते ही वह गहरी नींद में सो गई। सुबह सवेरे आंख खुलने पर उसने बताया कि वह जिंदगी में पहली बार ऐसी सोई है। ऐसा सुख तथा शांति उसे कभी नसीब नहीं हुई थी। वह अपने शरणदाताओं के निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा, भाव और आतिथ्य से उनके प्रति नतमस्तक हुई जा रही थी। 60 साल के अपने संघर्ष पूर्ण जीवन में उसे आज से पहले इतने उत्साह और खुशी का अनुभव कभी नहीं हुआ था। आज उसने समस्त संसार जो उसे हंसता हुआ दिखाई दिया दे रहा था। सुबह उठकर उसने बताया कि वह उनके पड़ोस के गांव की बेटी है और जिंदगी से थक हार कर फिर अपनी जन्मभूमि लौटी है। यदि बस उसे उसके गांव में ही पहुंचा देती तो शायद वह उनके घर का अंजल ग्रहण नहीं कर पाती। तब वह औरत कहने लगी कि यह तो माता का चमत्कार है। आपकी आस्था और अटूट विश्वास से खुश होकर माता ने मुझे यहाँ शरण देने और तुम्हारी सच्ची भक्ति से अपने रूप में मेरी भूखी आत्मा की सेवा करवाने का मौका दिया। माता की माया अपरंपार है, वह अपने भक्तों का इसी तरह उद्धार करती है। शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय हो। कमला ने भोजन तथा आश्रय देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और अपने गांव की तरफ चल पड़ी। अपना घर गांव देखने की उमंग में उसके पैर अपने आप उठ रहे थे। ज्यादा दूर नहीं था, वह कल्पनाओं में डूबी हुई कुछ देर में ही अपने गांव पहुंच गई। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, सगा कोई भाई नहीं था, इसलिए उसका पीहर बहुत पहले ही छूट गया था। उसे अपने घर गृहस्थी से भी कभी समय नहीं मिला था। रवि के पिता के साथ शुरू में वह एक दो बार अपने माता पिता से मिलने आई थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद बेटे की परवरिश में उसका सबसे नाता टूट गया था। केवल वह और उसका बेटा और काम ही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। वर्षों पश्चात उसने अपने बचपन के घर आंगन को देखा तो उसकी आंखें भर आई। पल भर में उसके बचपन की यादें उसके सामने घूम गई। घर का फूस उड़ चुका था और ओसरे की फटी पुरानी बोरियों के टाट डालकर पशु बांधने लायक बनाया हुआ था। एक तरफ मिट्टी की कच्ची दीवार तथा दूसरी ओर फूस की टाटी बंधी हुई थी। तभी जो उसे आवाज आई, अरे कमला जीजी, तू अचानक कहाँ से उतर आई? सामने से आंगन में बुहारी लगाती हुई एक महिला ने उसे आवाज लगाई और लगभग चिल्लाकर वह बुहारी हाथ में पकड़े पकड़े उसके पास ही आ गई थी तो कमला कहने लगी, अरे रमा जीजी तू? कमला ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा तो रमा कहने लगी, मैं तो जैसी हूँ तेरे सामने हूँ, लेकिन तू बिना चिट्ठी पत्री के अचानक किस किस के साथ आ गई है? तब कमला कहने लगी, जीजी साथ कौन किसका करता है? तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल दी, अब मैं भी तेरे साथ ही रहूंगी। रमा बोली, क्यों? रवि ने घर से निकाल दिया? कमला कहने लगी, नहीं रमा, मुझे रवि क्यों निकालेगा? वो तो बहुत गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन बड़े बड़े शहरों में मेरा जी नहीं लगता। तुम सबके साथ ही हो, मेरे साथ की भी हो, इसलिए मैं इस गांव में आ गई। मोटर गाड़ियों का हल्ला भी इस गांव में नहीं होता। तू भी तो किशोर के साथ बड़े शहर में रह रही थी ना रमा जीजी? किशोर भी तो बहुत बड़ा अफसर है, फिर तू क्यों शहर छोड़कर गांव में आ गई? तो रमा बोली, कमला मत पूछ, बड़ा बेटा अफसर अपनी बीवी बच्चों और अपने बड़े बंगले के लिए ही है। माँ के वास्ते उसके बड़े घर में एक खाट की जगह और दो वक्त की रोटी बहुत भारी है।
मैं तो जीजी सबको ठोकर मारकर गांव में आ गई और अपनी हिम्मत से जो बन पड़ा उतना सुमन के साथ काम कर लेती हूँ और दोनों वक्त रोकी सुखी ही सही पर पेट भरकर चैन से सो जाती हूँ। कमला कहने लगी, सुमन भी तेरे साथ रहती है और उसके बाल बच्चे भी साथ में है। तब रमा कहने लगी, हाँ जीजी क्या बताऊँ कमला, जीजी मर्द सारे एक जैसे ही है। एक रात सुमन और उसके तीनों बच्चों को सोता छोड़कर उसका मर्द कहीं चला गया। कई दिनों तक बेचारी सुमन ने उसे खूब ढूंढा, फिर सबको लेकर मैं मेरे पास आ गई। भगवान की दया से अब उसके दोनों लड़के कमाने लगे हैं और लड़की घर का कामकाज संभाल लेती है। वह बहुत ही कड़वाहट से भरकर हांफने लगी थी, इसलिए वहीं कमला के पास कहने सुनने को तो कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए उसके पास बैठ गई। अब कमला भी अपने टूटे छप्पर में आकर उसे फिर से खड़ा करने के बारे में सोचने लगी। उसने सुमन को बुलाया और घर में जमा कूड़ा करकट एक और इकट्ठा करके बाहर ढेर कर दिया। फिर छत में फूस को समेटकर ढंग से बिछाया, लेकिन फूस की कमी के कारण वह छितराया छितराया सा दिख रहा था। उसने सुमन की लड़की की मदद से दरवाजे को उसकी चूल पर चढ़ाकर खड़ा कर दिया। साल कहीं मिल नहीं रही थी। उसने दोनों पल्ले मिलाकर दरवाजा बंद किया और रमा जी जी के पास आकर बैठ गई। उसने बातों बातों में ही सब जान लिया कि कहाँ क्या मिल सकता है। सुमन ने रात की हुई बाजरे की खिचड़ी में थोड़ी सी छाछ मिलाकर कमला को दे दी थी, जिससे कमला को पेट में कुछ वजन सा महसूस हुआ और उसे अपनी भूख में थोड़ा आराम मिला। वह अपने घर आई और थैला फूस के नीचे छिपाकर गांव की तरफ निकल गई। गांव में दूसरी बिरादरी के कई चाचाताओं भाई बहन मिला रहते थे, जो भतीजे भतीजियां भी लगती थी, उनसे वह मिली। दोपहर तक वह पूरे गांव में घूमती रही, जिसने उसे घर के घर को जो फिर से घर बनाने के लिए काम करने वाले कई लोग मिल गए। वह गांव के एकमात्र सुनार से भी मिली और उसे लाल कपड़े में मजबूती से बंधे अपने जेवर दिखाए। पुराना सोना देखकर अनुभवी सुनार की जो आंखें चमक उठी, उसने कहा, जीजी कमला, अगर ज्यादा अड़ी भीड़ ना हो तो ये सोना संभाल कर रख लो, फिर ऐसा सोना दोबारा नहीं मिलेगा। कमला कहने लगी, क्या करना है इस सोने का? क्या करूंगी, अड़ी भीड़ के लिए ही तो रखा था। सुनार कहने लगा, जीजी कहो तो गिरवी रखकर तुम्हें 5-10 हजार रुपए उधार दे देता हूँ। कमला कहने लगे, नहीं भैया, अब किस दिन के लिए इसे संभाल कर रखूंगी? सब काम तो निपट गए, तुम इसे खरीद कर आज का दाम मुझे दे दो और मेरे बहुत काम पूरे हो जाएंगे। सुनार कहने लगा, जैसे तेरी मर्जी जीजी, मैं तो भले की बात कर रहा था, तेरा खरा सोना भी बच जाता और महीने 2 महीने में तू रुपए उतार कर जेवर छुड़ा लेती। खैर 50 साल पहले बापू ने ये सोना काका को 200 रुपए तोले दिया होगा, लेकिन आज खरे सोने का भाव 4,000 रुपए तोला है। बिना खोट काटे जीजी तुम्हारा कुल तोला आधा तोला होता है, मैं 2,000 रुपए तुम्हें दे देता हूँ। कमला कहने लगी, तू अपनी बहन से कोई बेईमानी थोड़ी ना करेगा, भैया जो बनता हो सो दे दे, तुम भाइयों के भरोसे ही तो मैं इस गांव में आई हूँ। कमला ने कहा और रकम लेकर अपने घर आ गई। हिम्मत और हौसले से चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है। मैं तो अच्छी भली इंसान हूँ, कमला सोचने लगी, मैं काम शुरू तो करूँ, कुछ कर पाई तो ठीक है, नहीं तो जैसा है उसी में काम चलाऊंगी। पहले कौन सी राज गद्दी छोड़कर आई हूँ, सोच समझ कर किफायत से काम करूंगी तो जरूर प्रभु नया पार लगाएंगे। हाँ तो यही सोचकर कमला सोचने लगी, सारी जिंदगी भर भूखे पेट हाथ पैर मारती रही, अब खाने की फिक्र तो नहीं है। जिंदगी भर कभी रूखी सूखी मिल गई तो खाली, नहीं तो पानी पीकर सो गई। अब कम से कम काम करूंगी तो अपने पेट लायक तो कर ही लूंगी, अब तो 2 पैसे हाथ में भी है, मैं इतनी जल्दी तो मरूंगी नहीं, हिम्मत क्यों हारूं? भगवान ने मुझे 2 हाथ पैर दिए हैं तो मैं मेहनत से कमा कर खाऊंगी। 1 सप्ताह में कमला ने अपने माता पिता की खंड हो गए घर को फिर से नया बना लिया। छप्पर पर नई छत डलवाई, दरवाजे की साल कुंडी दुरुस्त करवाई और दीवारों की लिपाई पुताई करवा कर उसे नया बना दिया। कोने में पड़ी माँ की चक्की में कीला मयानी डलवाई और ओसारे को ईंट की दीवारें खड़ी करवाकर पशु बांधने लायक बना लिए। उसने गांव के पड़ोस से ही 1-1 हजार रुपए में दुधारू भैंस खरीदी, जिसके साथ उसकी कटिया भी थी।
कमला उस गांव की बेटी थी और सभी से भाई भतीजों का नाता था। वह किसी के खेतों में भी चली जाती और घास काट कर ले आती। अपने दोनों जानवरों की वह तन मन से सेवा करती थी। दो वक्त का 12 शेर दूध गांव वालों को बेचती और खुद भी दिन भर का उबला दूध पीकर तृप्त हो जाती। 3-4 दिनों में जो जमावन का वह घी निकालती और जरूरतमंदों को छाछ मुफ्त में बांट देती। कमला के हाथ में पैसा था, एक दुधारू भैंस थी और सबसे बढ़कर उसका हौसला, उसकी कड़ी मेहनत। साल भर में उसकी मेहनत का असर गांव भर के लोगों को देखने लगा। उसमें घमंड नहीं था, लेकिन वह किसी से बिना वजह कोई बात भी नहीं करती थी। वह दिन भर अपने पशुओं की सेवा में लगी रहती। वह उनके लिए घास काट कर लाती, उन्हें रगड़ रगड़ कर नहलाती और उनसे बात करती। कभी कभी गांव में उसकी उम्र के भाई भतीजे उसके पास आकर बैठ जाते। वे अपनी विभिन्न समस्याओं पर उससे बातें करते और तत्काल ही कमला उनको हल कर देती, जिससे वे खुश हो जाते। साल भर में कमला का नाम गांव में आदर सम्मान से लिया जाने लगा। वो गांव के प्रभावी तथा समझदार लोगों में उसकी गिनती हो जाने लगी। बहुत से लोगों का विचार था कि मेहनत और अनुभवी कमला को गांव का सरपंच बना दिया जाए तो सबका बहुत भला होगा। कमला ने अपने कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां बताई, लेकिन लोगों ने फिर भी उसे सबकी सहमति से गांव की सरपंच चुन लिया। सबने उसकी बात मानने और उसे हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया, तो वह भी सहमत हो गई। फिर अपनी भैंस और उसकी कटिया की देखभाल के अलावा उसके पास काम भी क्या था। सबसे बातें करके और उनके दुख दर्द में भागीदार कर उसे बहुत संतोष और खुशी का अनुभव होता था। गोधूली की वेला का समय था। सानी पानी से भैंस को तृप्त करके कमला ने दूध धोने से पहले उसकी कटिया को पोषाने के लिए छोड़ दिया था, ताकि माँ बेटी एक दूसरे को चूम चाट कर दुलार कर सके। अपने बच्चे को दूध पिलाकर माँ को जिस अपार आनंद का संतोष का अनुभव होता होगा, यह माँ ही बता सकती है। पिता कभी उस परम सुख का स्वाद नहीं चख सकता। वह दूध की बाल्टी अंदर रखकर कटिया को खींचकर उसके खूंटे पर बांधने लगी, लेकिन दूध पीकर जवान होती कटिया उसके काबू में नहीं आ रही थी। तभी एक 30 साल का व्यक्ति आया और उस कमला की कटिया के साथ जूझती हुई देखकर उसे उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा। उसने जोर लगाकर कटिया की रस्सी खूंटे से बांध दी। कमला ने हाफते उसे आशीर्वाद दिया और पास पड़ी चारपाई पर बैठकर उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करने लगी। वह व्यक्ति कहने लगा, राम राम नानी, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली शारदा का बेटा हूँ, मेरा नाम सुनील है। उसने झुककर कमला के पैर छुए। कमला ने कहा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, मैंने तो तुझे पहचाना नहीं। उसने देखते हुए ही कहा। तब वह कहने लगा, तुम मुझे देखती कैसे, तुम्हारी शादी के 30 साल बाद में पैदा हुआ था, मैंने भी तुम्हें आज पहली बार देखा है। मामा रवि जिस जीप में तुम्हें गांव छोड़ने गया था, वो ड्राइवर भी उसी के दफ्तर में है जहां मैं हूँ। उसी ने मुझे बताया कि बड़े साहब रवि की माँ मेरे गांव की है। मैं आज गांव में आया तो मेरी माँ ने बताया कि रवि की माँ मेरी बचपन की सहेली है। तुम आई हो तो मैं खुश हो गया कि मेरे साहब की माँ आई है, तो मैं तुमसे मिलने आ गया। उसने खुलासा किया तो कमला कहने लिया, अच्छा किया बेटा, तू रवि के दफ्तर में काम करता है, कैसा है मेरा रवि। तब वह व्यक्ति कहने लगा, जो जिसका नाम सुनील था, कि मौसी साहब और उनके बाल बच्चे सब मजे में हैं। साहब के दूसरे बेटे का जन्मदिन था, इसलिए पूरे स्टाफ में मिठाइयां बांटी थी। मैम साहब और बच्चे सब साथ में थे, नानी कहां से ढूंढ कर लाए इतनी सुंदर साहब के लिए बहू। तू मिला था अपनी मामी से। तब कमला ने उससे पूछा तो वह कहने लगा, ना ना नानी, मैं तो दफ्तर का मामूली सा चपरासी, उसके पास कैसे जाता, दूर से ही देखा, उसके बच्चे भी फूल जैसे हैं, कोमल और मुलायम, शायद हाथ लगाने से मैले हो जाएं। मेरा मन तो उन्हें देखकर ही खुश हो गया था। दोनों मरद बियर बहुत ही दयालु हैं, बुजुर्गों की पेंशन करने वाले मेरे साहब ही उनके नजदीक था। मैम साहब के कहने पर उनके माता पिता की मेरे साहब ने पेंशन चालू कर दी। तब तक सब तकदीर की बात है बेटा, कमला कहने लगी। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने ठंडी आह भरी। तब वह लड़का कहने लगा, मासी तू कहे तो मैं अपने अफसर से कहकर तेरी भी पेंशन चालू करवा दूं।
सरकार बुजुर्गों को महीने के 1000 रुपए देती है। इस महीने से मेरी माँ की भी पेंशन चालू करने का वादा किया है, मेरे साहब ने, तो कमला कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर तेरे हाथ में तो जरूर करवा, गांव के बड़े बूढ़ों का भला हो जाएगा, सब तुझे आशीष देंगे। वह कहने लगा, मासी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, करने वाले साहब ही हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा तो जरूर मान जाएंगे और मुझे उम्मीद है वे मुझे निराश नहीं करेंगे, उनका तो काम ही बुजुर्गों की पेंशन करना है। तब कमला कहने लगी, बहुत भला काम कर रहे हो बेटा, तू और तेरे साहब को गांव में बुलाएगा तो मैं उनके दर्शन कर लूंगी बेटा, तेरे अफसर को जरूर बुलाना। जिंदगी में कमला ने इतना अपने आप को तपाया था कि उसे बदरंग गवार मजदूरन से भी शुद्ध तथा अनमोल कंचन बना दिया था। वह धैर्य त्याग और संयम की मूर्ति बन गई थी। भूख लाचारी और छटपटाहट से उसे संतोषी और निर्मल और सहनशील बना दिया था। गाँव के दूर पूर्वे में मिली देवी के आस्थावान उपासक पति पत्नी ने उसके सह तृप्त हृदय को स्वार्थ त्यागी तथा बहुत ही कोमल हाथों से उसको सेवा की थी। सुनील के बताए पेंशन के नुस्खे से उसे सबकी भलाई का एक मार्ग दिखाई दिया। गांव वालों ने उसे गांव का प्रधान चुना था। उसने दो भले युवकों के साथ लेकर गांव में बदलाव का बीड़ा उठाया। 2 महीने बाद गांव में अधिकांश दिलवाई और मेहनत से उसे पालने की सलाह दी। पंचायत की तरफ से उसके पूर्वे के पास सुनसान जंगल में कुआं बनवाकर मुसाफिरों के लिए गर्मी में पानी की व्यवस्था करवा दी। उसने नीम के नीचे लगने वाली पंचायत के लिए भी 3 कमरे का एक बड़ा पंचायत घर बनवाया, जो बच्चों के स्कूल तथा गाँव में होने वाले विवाह शादी के काम आने में आने लगे। और उसे उसकी वाहवाही भी मिली के मौके पर किसी ने जरूरत पड़ने पर उससे दूध मांगा तो कमला ने उसे जरूरत के अनुसार एक समय का पूरा दूध भी दे दिया। गांव में किसी की शादी होती तो वह खुद आशीर्वाद ने पहुंचती और शगुन के साथ नकद रुपए देकर मदद करती। वह गांव भर की अभिभावक बन गई थी। किसी को कोई परेशानी होती या किसी को कोई जरूरत होती तो वह उसके पास दौड़कर आते और वह उनकी यथासंभव सहायता भी करती। 2 साल में गांव की दूर दूर तक कमला की चर्चा होने लगी। माँ की लाडली कमली 60 साल तक की जिंदगी से जूझती कमला, कमली से कमला बनकर आज अड़ोस पड़ोस के गांवों की पूज्य कमला देवी बन गई थी। बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उबला हुआ दूध मिलाकर कमला ने पेट भर भोजन किया और तृप्ति की लंबी सी डकार लेकर अपनी भैंस के पास आ गई। उसने बहुत ही स्नेह और प्यार से उसका मुँह सहलाया और उसे गले लगाकर बैठ गई। कुछ देर मन ही मन सोचती रही और फिर सीधी बैठकर बोली, सीलू जिंदगी क्या क्या रंग खाती है, कभी हंसाती है, कभी खूब रुलाती है, कभी भूख से तड़पाती, आदमी बेदम हो जाता है और कभी घी दूध से गदरा कर कुलाचे मारने लगता है। मुझे कैसे कैसे दिन दिखाए जिंदगी ने और आज तेरे सहयोग और साथ से मैं महारानी बन बैठी हूँ। सीलू मुझे तो एक ही बात समझ में आई है कि इंसान को ना तो कभी हार माननी चाहिए और ना ही कभी घमंड में बावला होना चाहिए। जैसा समय हो उसे सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। सब भगवान के बालक हैं, उसे सबकी चिंता है। वह अनाम अरूप अविनाशी सब देखता है, वही करने वाला है और वही सबको से करवाता है। इंसान तो उसके हाथों की कठपुतली है, जब जैसे उसकी मौज होती है वह वैसे ही उसे नचाता है और इंसान उसके इशारों पर नाचता है। दोस्तों आज एक अफसर की माँ अपने कैसे कैसे दुखों को देखकर उसने कभी हार नहीं मानी। आज वह कमली से कमला देवी बन गई और अपने बेटे को उसने जीते जी त्याग दिया। कहने लगी कि मैं अपने बेटे की ऐसी की शक्ल भी नहीं देखूंगी जिसके लिए मैंने इतना त्याग किया, और उसके बेटे ने उसे त्याग दिया और वह गांव की प्रधान बन गई, सबकी चहेती बन गई। गांव वाले भी उसके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहने लगे। दोस्तों एक माँ के संघर्ष की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।